हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि न्यू लर्नर लाइसेंस या न्यू ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, फिर गूगल पर आपको टाइप करना है परिवहन। ओनली परिवहन कर दोगे तो भी काम चल जाएगा। इसको सबसे ऊपर आएगा होम, परिवहन सेवा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पर ओके करना है। या तो आप नीचे यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस है, इस पर ओके कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, इस पर ओके। फिर आपको या तो यहाँ अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस के लिए कर सकते हैं अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो, या फिर यहाँ लर्नर लाइसेंस पे जाकर अप्लाई फॉर न्यू लर्नर लाइसेंस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये डिटेल से क्या क्या करना है। सबसे पहले एप्लीकेशन फिल करनी है, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, ई साइन, ई पेमेंट, वेरीफाई, LLC लोड, टेक द LLC टेस्ट। चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग और लर्नर लाइसेंस इश्यू इन इंडिया, इस पर ओके करना है और सबमिट करना है। फिर आपको करना है एक विदाउट आधार और एक आधार। अगर आप आधार से ऑथेंटिकेट करते हैं, दिल्ली के निवासी हैं, तो आपको लर्नर लाइसेंस टेस्ट के लिए कहीं नहीं जाना, आप घर बैठे खुद अपना लर्नर लाइसेंस टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे तो आपको दिल्ली के माल रोड RTO जाना होगा और वहाँ आपको अपना लर्नर लाइसेंस टेस्ट देना होगा। चलिए हम सबमिट वाय आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं। इसमें लिखा हुआ रहा है आपका आधार से आपका फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आप आधार नंबर सेलेक्ट करेंगे या वर्चुअल आईडी भी कर सकते हैं। आधार नंबर के नीचे ही लिखी होती है वर्चुअल आईडी, यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। जनरेट OTP, ओके गलत डाल दिया, दोबारा डालते हैं। सबमिट डाला, ओके आधार नंबर OTP आपके फ़ोन पर आएगा एक, जो आपका आधार नंबर से लिंक होगा, वो OTP आपको यहाँ डाल देना है। ये टाइम है, इससे पहले डाल देना है, 5 मिनट से 5 मिनट का टाइम होगा, और यहाँ आपको ऑथेंटिकेट कर देना है। ये आपका डाटा खुल जाएगा, आपके आधार पर जो फोटो होगी वो फोटो ही आपके ड्राइविंग लाइसेंस में आएगी, आप एक बार चेक कर लेना, इसमें चेंज कुछ नहीं होगा आपका। इसको प्रोसीड से आप प्रोसीड करेंगे या आपका सब खुल जाएगा। यहाँ प्लेस ऑफ डाल सकते हैं, डेली ब्लड ग्रुप आपको पता है तो आप ब्लड ग्रुप आप डाल सकते हैं, तो अनोन कर सकते हैं। यहाँ अपनी क्वालिफिकेशन डाल सकते हैं, यहाँ ग्रेजुएट नॉन मेडिकल साइंस, या मोबाइल फ़ोन नंबर जो आधार से आपका रजिस्टर है, या आपकी ईमेल आईडी, या आप अपना इमरजेंसी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। यहाँ आप अपना कोई निशान डाल सकते हैं, चेहरे पर, सर पर, या कहीं पर भी। यहाँ अपना एड्रेस डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट चेंज कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट। सब डिस्ट्रिक्ट या टाउन, यहाँ पे आप सेम एस परमानेंट एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ आप डाल सकते हैं कितने साल से आप दिल्ली यहाँ रह रहे हैं, इस एड्रेस पे वही डालना जितनी आपकी एज है। ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, दो होते हैं टू व्हीलर में, एक मोटरसाइकिल विदाउट गियर होता है,
तो आपका मोटरसाइकिल विदाउट गियर का ही लाइसेंस बनेगा, आप इसको सिलेक्ट करोगे। आपको अगर वहाँ ड्राइविंग टेस्ट देना होगा तो मोटरसाइकिल विदाउट गियर यानी कि स्कूटी जिसमें गियर नहीं होते वो, और एक होता है मोटरसाइकिल विद गियर, आपको मोटरसाइकिल विद गियर ही करना है आपका, वो आपकी मर्जी है आपको क्या करना है। उसके बाद आपको लाइट मोटर व्हीकल फोर व्हीलर जिसे बोलते हैं, इसमें ये नो, ये इसको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर देना है आपको, ये ऊपर नो, ये यस, ये नो, बाकी सब नो भरने हैं। और ये आई हैव डिक्लेयर्ड सबमिट कर देना है, ये आपको सबमिट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन, अगर आप कोई एक्सीडेंट में आपकी डेथ हो जाती है और आप ना कोई ऑर्गन देना चाहते हैं तो यस कर दें, इसको थ्रू। अब यहाँ पर आप सबमिट करेंगे, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा, जो एप्लीकेशन नंबर होता है। फिर उसका आगे का प्रोसेस आपको फिर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।